Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल चुनाव में झामुमो की भी एंट्री, आदिवासी बाहुल झारग्राम में झारखंड के सीएम ने की सभा। बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एंट्री मार दी है। झामुमो की राज्य झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरलिया व बाकुंडा सरीखे आदिवासी बहुल जिलों पर नजर है। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारग्राम में सभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। झारखंड में कोविड 19 के 70 नए मामले सामने आए। 28 जनवरी झारखंड में बृहस्पतिवार को कोविड 19 के 70 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 118,495 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,066 हो गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य के कुल 118,495 संक्रमितों में से 116,706 अब ठीक होकर अपने घरों को लौट जा चुके हैं। इसके अलावा 723 अन्य मरीजों की इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। खबर है झारखंड के साहेबगंज से। 2 माह पर राशन लेने वाले लाभुकों को करें चिन्हित। तलझारी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में गुरुवार को जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सतीश चंद्रदास ने बैठक की। इसमें एमओ ने एफसीआई गोदाम से राशन का उठाव एवं लाभुकों के बीच किए गए वितरण से संबंधित जानकारी ली। कहा कि लाभुकों को अनाज का वितरण 100% करें। जो लाभुक अनाज नहीं लेते हैं उन्हें घर जाकर बुलाएं और अनाज दें। हर 2 महीने में अनाज उठाव करने वाले लाभुकों को चिन्हित करें। आधार से लिंक किए राशन कार्डों की जानकारी भी एमओ ने ली। साथ ही उन्होंने डीलरों को फर्जी तरीके से कार्ड में अंकित 1 से अधिक व्यक्तियों की सूची डीलरों से ली। कहा कि 31 जनवरी को प्रखंड में ग्रीन कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। किशोरियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। चाइल्ड लाइन गोड्डा की ओर से सुंदरपाड़ी के कुशमाहा पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के अवसर पर किशोरियों के बीच फुटबॉल मैच, चित्रकारी, क्विज व बाल विभाग के दुष्परिणामों को चित्रित करते हुए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन इस पंचायत के मुखिया हेलन हजदा ने किया। इस दौरान चाइल्ड लाइन की सुचित्रा देवी और अमर कुमार ठाकुर ने भी 1098 सेवा के बारे में बताया। कहा कि बेसहारा, बेबस, लाचार, उपेक्षित, शोषित बच्चों के लिए यह फोन सेवा 24 घंटा काम करती है। बच्चों के हितार्थ, पुनर्वासन व निरंतर फॉलोअप में मददकारी करती है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर में 12वीं राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री का होगा आयोजन। खिलाड़ी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में आगामी 31 जनवरी 2021 को 12वीं झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का होगा आयोजन। इस चैंपियनशिप का आयोजन देवघर स्थित KKM स्टेडियम में होगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं देवघर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रखा गया है। इस बात की जानकारी JJA सचिव CD ने दी है। इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ी सीधे प्रतियोगिता स्थल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मौके पर ही सभी प्रतिभागियों को एक टी-शर्ट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगामी 21 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में होने वाली 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री के लिए चयन इस प्रतियोगिता से किया जाएगा। खबर है झारखंड के रांची से। रिम्स में 370 नर्स की होगी नियुक्ति। GB की बैठक में लिया गया निर्णय। DCI की विजिट से पहले डेंटल कॉलेज की कमियों को दूर किया जाएगा। रिम्स में 370 नए नर्सों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को रिम्स में आयोजित गवर्निंग बॉडी यानी कि GB की बैठक में इसमें सहमति दे दी गई। इसके तहत 80% महिला और 20% पुरुष नर्स की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, हेल्थ सिक्योरिटी KK सोन और रिम्स डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह शामिल हुए। पूर्व में 362 स्टाफ नर्स की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाली गई थी, जिस पर अनियमितता के आरोप भी लगे थे। इसके बाद इस विज्ञापन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। रिम्स डायरेक्टर ने बताया कि बोर्ड की डेंटल और मेकेल सेक्शन में भी कमियों को समय से पूरा कर लिया जाएगा। GB में इस पर सहमति बन गई है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। गढ़वा से खड़गपुर जाने के लिए स्कॉर्पियो से निकले मजदूर रास्ते में हुए टैंकर से टक्कर, 6 लोग घायल।
सरायकेला खरसवां जिला के चौका थाना अंतर्गत दिरलंग के पास NH 33 पर गुरुवार को मजदूरों से भरी स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े तेल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि अन्य मजदूरों को हल्की चोटें आई है। मजदूरों ने बताया कि वे लोग बुधवार की रात गढ़वा से खड़गपुर जाने के लिए निकले थे, इसी बीच यह हादसा हुआ। दुर्घटना की वजह स्कॉर्पियो ड्राइवर को झपकी आने से हुआ है। इधर घटना की सूचना के बाद सभी को पुलिस ने चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को MGM रेफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लेने वालों के लिए अच्छा मौका है। रांची नगर निगम ने कहा 3 लाख सालाना आमदनी वाले परिवार भी जिनके पास घर नहीं है 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं लिया है उन्हें एक और मौका मिला है। ऐसे वंचित लोग अब 5 फरवरी तक नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। नगर विकास विभाग के निर्देश पर रांची नगर निगम ने लोगों से आवेदन करने की अपील की है। भरा हुआ आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय के काउंटर संख्या 1 में जमा किया जा सकता है। जिन लोगों ने इस योजना के लिए पहले आवेदन किया था उन्हें भी आवेदन की हार्ड कॉपी निगम कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म भरने से पहले निगम की ओर से जरूरी शर्त यह रखा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 17 जून 2015 से पहले रांची शहर क्षेत्र में रहने का वोटर आई कार्ड होना जरूरी है। झारखंड में 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे, दोनों ओर 8 फुट ऊंची गाइडवाल रहेगी। रांची से कोलकाता की दूरी 130 किलोमीटर घटेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दे दी है। 15 दिन पहले मिली स्वीकृति के बाद अब रांची से सबलपुर तक और धनबाद से रायपुर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया। ये दोनों एक्सप्रेसवे देश में अनूठे होंगे क्योंकि इन पर जानवरों के लिए अलग ओवरपास बनेंगे। इससे वे जंगल से सुरक्षित आ जा सकेंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 8 फुट ऊंची गाइडवाल रहेगी ताकि दुर्घटनाएं ना हो। झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। झारखंड सरकार और NMC से 1 सप्ताह में मांगा है जवाब। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ नीट में सफल राज्य कोटा मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनुरुद्ध बोस की कोर्ट में बुधवार को नीट पास ऐश्वर्या सिन्हा और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने झारखंड सरकार और NMC से शपथ पत्र के माध्यम से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य सरकार को यहां आधारभूत संरचना और शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में हुई देरी पर जवाब देने को कहा है। वहीं NMC को एडमिशन पर रोक लगाने के बारे में जवाब देने को कहा है। खबर है झारखंड के चतरा से। झारखंड में शादी का निबंधन हुआ जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। झारखंड में शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार ने शादी की पंजीयन के लिए पंचायत सचिवालय को अधिकृत कर दिया गया है। इससे शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान हो गया। अब अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शादी के निबंधन के लिए सीधे पंचायत सचिवालय जाना होगा। वहाँ बतौर रजिस्ट्रार पंचायत सचिव अब अधिकृत कर दिए गए हैं। विवाह के लिए यह सारी प्रक्रिया पूर्वोत्तर ही रहेगी जो अवर निबंधन कार्यालय में लागू होती थी। शादी के लिए 15 दिन पूर्व पंचायत सचिवालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए ₹50 का शुल्क जमा करना होगा। यदि शादी पर किसी को आपत्ति है तो उन्हें 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें ₹500 फीस देनी होगी। शादी का प्रमाण पत्र अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से जारी होगा। ऐसी संभावना है कि यह व्यवस्था फरवरी से चतरा समेत राज्य के सभी जिले में शुरू हो जाएगी। झारखंड में म्यूटेशन के 3,62,000 आवेदन रद्द। राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के कुल 7,52,000 आवेदन दाखिल हुए थे। इनमें से 3,62,000 आवेदन रद्द किए गए हैं। अकेले रांची में 1,10,000 आवेदन रद्द हुए हैं। म्यूटेशन से जुड़े आवेदनों को रद्द करने का मुख्य कारण CNT-SPT एक्ट में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण है। इसके अलावा आवेदनों के रद्द होने का बड़ा कारण सरकारी जमीन की गलत तरीके से की गई खरीद बिक्री भी है। खबर है झारखंड के लातेहार से। मुठभेड़ में शामिल TPC उग्रवादी लातेहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। लातेहार पुलिस ने गुरुवार को TPC के एक उग्रवादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी उग्रवादी पिछले महीने चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा में पुलिस से हुए मुठभेड़ में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से चोरी की एक बाइक, पर्चा, मोबाइल और डायरी भी बरामद कर लिया है।
इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।